एक यंग स्टार से आपकी मुलाकात करानी है। हमने हालिया अरसे में कोह पहमाई में नाम रोशन करने वाले शहरोज काशिफ हर तरफ इनके चर्चे हैं और अब से नहीं है, मतलब ही वॉज जस्ट 15-14 ईयर्स ओल्ड जब से इनके चर्चे हैं हर तरफ। और शुरू में तो हमें हैरानी होती थी कि कैसे इतनी छोटी उम्र में इनके पेरेंट्स ने पर्टिकुलरली यू नो बड़ी हिम्मत होती है वालदैन की भी कि बच्चे का एक शौक है लेकिन उसको सपोर्ट भी करना उस तरह बताते हैं क्यों, क्योंकि ये बच्चा जब 15 साल का था ना, अब तो याद है आपको बचपन में उससे भी छोटी उम्र की बता रहे थे कहानी जब मतलब डिसीजन इन्होंने पहले ही ले ली थी। शोग्रान गए थे 9 साल की उम्र में और इन्होंने अम्मी अबू कहा था अम्मी मुझे पहाड़ सर करना है और इन्होंने भेज दिया था। और फिर उन्होंने अम्मी अबू ने कहा, मतलब आई गेस बच्चों की एक कन्विक्शन होती है, बट बड़े स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स भी थे। 2015 में 13 साल की उम्र में थे जब के कुछ स्टेटमेंट्स हम आपको सुनाना चाहते हैं, तो अगर बच्चा ये सोच रहा हो ना तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ वो आज है। We are on the top of Mangalik class 6050 meters. एक डेस्टिनेशन रखते हैं अपनी कि हमने यहाँ पे जाना है, और फिर अगर हम ये दिमाग में लेके रखते हैं कि अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। इस बार इंशाल्लाह मैं 7000 मीटर्स की पीक करूँगा। फिर K2 और माउंट एवरेस्ट को मतलब कि वो मैंने हर हालत में K2 माउंट एवरेस्ट मैंने करना है। करना आप बताएं, मतलब कि कोई शक होगा जब 13 साल का बच्चा मतलब 6000 से ऊपर पीक्स को ऑलरेडी सर कर रहा है, तो उसने तो पहुंचना ही था ना फिर। मतलब माशाल्लाह उस वक्त के जो इरादे थे इनमें से ज्यादातर चीजें पूरी हो चुकी हैं। हाल ही में शहरोज ने नेपाल में 8516 मीटर बुलंद चोटी लहोत्से पर सबसे लाली परचम लहराया है। नेपाल की तरफ से इन्होंने क्लाइम किया, वैसे इंडिया की भी ये बुलंद तरीन चोटी है और इंडिया की तरफ से सर लेने इजाजत नहीं है, इसलिए नेपाल की साइड से इन्होंने क्लाइम किया। इससे पहले शहरोज ब्रॉड पीक, माउंट एवरेस्ट, मानसलू, कंचनजोंगा और K2 भी सर कर चुके हैं, और उन्होंने K2 और कंचनजोंगा असर करने वाले कम उम्र तरीन को पहमा होने का एजाज भी हासिल किया, और वंस अगेन आज भी वो हमारे मेहमान हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और बड़ा टाइम आपने निकाला है, बिकॉज हमें पता है कि आपको ट्रैक करना, ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल है, आप किसी ना किसी पहाड़ पे चढ़े होते हैं। तो ये बताइएगा कि आपने इतनी कम उम्र में K2 एवरेस्ट ये सब कुछ सर कर ली थी, और इसके बाद जो है वो कोई और बड़ा पहाड़ हम सोच रहे थे कुछ रह गया है जिसको आपने अभी सर करना है, तो क्या सोचा है कि क्या कर रहे हैं आप आजकल? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पीक का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक मूड होता है, अपना एक वेदर होता है, अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। कंचनजंगा की मैं बात करूं तो मैंने इतनी मुश्किल चोटी कभी सर नहीं की, हालांकि तीसरी बुलंद तरीन चोटी है। मैंने एवरेस्ट भी किया, मैंने दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चोटी K2 भी सर किया है, लेकिन कंचनजंगा मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगी है। तो हर माउंटेन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। अच्छा, टेक्निकलिटीज़ का आप तस्करा कर रहे हैं, बाय द वे आप काठमांडू में इस वक्त भी मौजूद हैं, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम देयर। कंचनजंगा को सर करने में जिसका नाम नहीं हमसे लिया जा रहा, उसको आपने सर ही कर लिया है, क्या टेक्निकल मुश्किलात का आपको, आप कह रहे हैं सबसे डिफ़िकल्ट आपको अब तक लगी है, तो क्या मौसम की ख़राबी के बाइस मुश्किल पेश आई या टेक्निकल इशूज़ से या फैसिलिटीज़ का फुकदान था, प्लीज़ हमें ज़रा कुछ बताइए, शेयर करें। सबसे पहली बात तो कंचनजंगा इज अ मैसिव, उसका जो समिट है उस पर मुझे कैंप 4 से, लाइक हम पहले कैंप 1 बेस कैंप पे जाते हैं, बेस कैंप से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, और कैंप 4 के बाद समिट आता है। तो कैंप 4 और समिट का ये पार्ट होता है लाइक, और वहाँ से कैंप 4 से मुझे 20 घंटे लगातार चल के समिट पर जाना पड़ा। 20 आवर्स मैंने क्लाइंब किया, और उसके बाद नीचे आना अलग, नीचे कैंप 4 पे, कैंप 4 टू समिट बता रहा हूँ सिर्फ कि 20 घंटा लगा उस पे। ऊपर से स्नो इतनी ज़्यादा थी, हमारे पास जो थे वो रोप का मसला था, वेट करना पड़ रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन था, ऊपर से बिल्कुल रिमोट एरिया, हमें बिल्कुल एक साइड पे जाना पड़ता है, तो ये एक बहुत मसले वाली बात है। अच्छा शहरोज, हम साथ साथ अपनी बिग स्क्रीन पे आपकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, और बिल्कुल वो वाला उस बच्चे की बात याद आ गई ना, पीछे तो देखो, तो पीछे तो मतलब के आसमान है और बादल है, से भी ऊपर इतना, मतलब इतने समिट सर करने के बाद आप काफ़ी तजुर्बाकार, तो डेफिनेटली आपको देख के आपसे बातें करके पता चल जाता है किन हालात का सामना करना पड़ता है आपको इतने ऊँचे पहाड़ों पर, और हर बार हालात क्या डिफरेंट होते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था तो लाइकलीहुड अब भी होगा। देखिए, हर डिफिकल्टी आपके लिए जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती है। माउंटेन के ऊपर आपने कभी भी किसी डिफिकल्टी का सामना पहले किया हुआ है तो आप जब वो दोबारा आती है ना तो आपकी बॉडी उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होती है।
पता है हम साथ साथ विजुअल्स जब देख रहे हैं ना और आपसे बात कर रहे हैं तो मैं वहीं पे सर घूम रहा है थोड़ा सा, मतलब उन विजुअल्स में हमसे नीचे और पीछे नहीं देखा जा रहा, बिकॉज़ वी आर थिंकिंग एंड यू नो लोग जो ये करते रहते होंगे उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा रोज के बाय द टाइम यू लिटरली रीच द टॉप तो जिस चीज पे आप खड़े हैं वो भी लगता है कि स्टेबल नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल आइस और वो तो स्नो है उसके नीचे पता अच्छा, नहीं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इतना कुछ कर लिया है, आगे के प्लान्स अगर वैसे क्या ही आपसे पूछें लेकिन कुछ शेयर करें, क्या कुछ करने का इरादा है इतना सब कुछ अचीव करने के बाद? देखिए पहली बात तो ये है कि पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज से 200 साल पहले पैदा होता। क्यों? बस मैं अम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल गाय, मुझे पुरानी चीजें ज्यादा पसंद है और मैं उस उन चीजों को जो है वो आई थिंक ज्यादा पसंद करता हूं। व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट नाउ? क्रिएटिविटी को ज्यादा पसंद करता हूं, लाइक आज से 100 साल पहले का आर्किटेक्ट देख लें आप और आज का देख लें तो जमीन आसमान का फर्क है। माजी से निकलेंगे तो आगे जाएंगे, ये कहते 200 साल पहले, अब बता दें आगे क्या करना है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली लिटरली कुछ प्लान बताए ना क्योंकि आपको नहीं पता, हम आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वी वुड लाइक टू नो एंड कीप अ रिकॉर्ड कि आप कहाँ पहुंचे। नहीं दुनिया में 14,000-8,000 मीटर के पहाड़ है, मैंने भी 6 किए सिर्फ, अभी मैं एक हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद शायद निकल जाऊँ 5th हाईएस्ट पीक के लिए जो मेरा प्रोजेक्ट है 4-5 एंड प्रोजेक्ट 3-4-5, उसमें मैंने 3 को कंप्लीट किया, 4 को कंप्लीट किया, अब 5 रहता है तो इंशाल्लाह 5 को कम्प्लीट करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने दुनिया की सारी बुलंद तरीन चोटियाँ सबमिट सारी करनी है, तो इसके लिए आपने कोई टाइम लाइन भी सेट की हुई है? माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में आप इतना सब कुछ कर चुके हैं कि आपने कोई है टारगेट के 1-2 साल में या 3 साल में आपने सब कुछ कर लेना है? नेक्स्ट ईयर तक मेरा प्लान है अगर तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है तो। तो अभी सपोर्ट मिल रही है आपको फाइनेंशियली? अभी मुझे सपोर्ट फाइनेंशियली गवर्नमेंट की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है ना, लाइक 0% है, और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं 70% प्राइवेट सेक्टर्स ने भी डिनाई कर दिया था इस प्रोजेक्ट को कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। और क्या रीजन क्या देते हैं? आई डोंट नो, रीजन नहीं देते कभी भी ना, मैं पूछता हूं। मतलब रीजन यही देते होंगे क्योंकि वो इतने बिजी हैं अपने और कामों में कि कोई काम के काम को तो सपोर्ट करना नहीं है। मतलब ये बड़ी सैड बात है और ये किसी यंग शख्स का एम्बिशियस शख्स का कोई इरादा नहीं है कि जी हम करने जा रहे हैं, जो करके दिखा चुका हो बार बार करके दिखा चुका हो तो उसको तो सपोर्ट मिलनी चाहिए। खैर एनीवे शरोज ये भी बता दें, हम आपकी जो तस्वीरें देख रहे हैं क्यूरियोसिटी है जल्दी से वो हमें बता दें कि आप जा रहे होते हैं, आपकी एक्सटेंडेड टीम है जो आपके साथ हमेशा होती है या हर बार एक नई टीम आप लेके चलते हैं, आपके साथ ही कौन है? प्लानिंग के अंदर तो सिर्फ मैं और मेरा शेरपा होता है, मेरा डिसीजन होता है, साथ मेरी टीम होती है द कराकरम क्लब जो कि पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ देख रही होती है और वो ईच एंड एवरीथिंग मुझे गाइड कर रहे होते हैं, साथ साथ वेदर रिपोर्ट्स भेज रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि ये टीम वर्क की है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के भी जो है वो सारी सारी रात जाग के मेरे लिए जो है वो वेदर रिपोर्ट्स भेजते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन as when you are climbing तो वो तो as a group ही होता होगा। मैं और मेरा शेरपा होता है उसके अंदर सिर्फ, और भी लोग होते हैं लेकिन we don't climb together actually, हर बंदे का अपना अपना होता है कि यार किसने कब निकलना है किसने कब निकलना है वेदर रिपोर्ट्स, क्योंकि हर बंदे की लाइफ उसके अपने हाथों में होती है, किसी के डिसीजन पे हम नहीं चल सकते। बहुत ही जबरदस्त, एक दफा फिर जीते रहिए और यू नो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, आप हमें हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं और आपको ट्रैक करना भी बड़ा वैसे मुश्किल होता है, बट वी वुड लाइक टू ऑलवेज विश यू वेल। अच्छा पता है क्या, मैं ये जो मैं हैरान हूँ कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, सरकारी सतह पे तो छोड़ दें, हमें किसी से क्या उम्मीद करनी चाहिए, खिलाड़ी सब लोग आ गए सब देख लिया, ये खेल ही है ना सर्टनली एक माउंटेन क्लाइंबिंग, इसको भी इस लड़के को जिसको देख के दुनिया हैरान हो जाती है कि लुक एट हिज एज एंड हिज अचीवमेंट्स, उसको भी अगर हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो पता नहीं किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ये जो फॉर इंस्टेंस बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनके फजूल इश्तिहार चल रहे होते हैं स्टंट्स के साथ जो अदाकारों और मॉडलों से करा रहे होते हैं, दिस इज योर गाय, दिस इज द रियल थिंग। और दूसरा फिर वो जब हमारी बहुत सी तकरीरें होती हैं ना जिनमें कहा जाता है कि जी हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को जब कोई छोटी सी अचीवमेंट या बड़ी सी अचीवमेंट किसी की हो जाए तो एक रेटरिक आ जाती है कि हम सपोर्ट करेंगे, ये हमारा यूथ है।
करते कुछ नहीं है एंड में, तो ये हमें बड़ी तकलीफ दे बात लगती है। शेरोज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बट ये मैं ये इनके एक्चुअल रियल लाइफ स्टंट्स देख रहा हूँ, और वो जो एनर्जी ड्रिंक्स के इश्तेहारों में आ रहे होते हैं वो देख रहा हूँ, मतलब ये लड़का है भाई जिसको आपको लेना है, आप क्यों अदाकारों के पीछे पड़े हुए हैं? और जो जो आर्टिस्ट अदाकार वो जो स्टंट्स कर रहे होते हैं Everybody knows, वो नहीं कर सकते, मतलब वो उसको आप डॉक्टर बना दें तो आज वो डॉक्टर बन जाएंगे, आज उनको कोई स्टंटमैन बना दें, प्लीज पिक द रियल डील, कोई कमी नहीं है हमारे पास लोगों की, तो आप एक्चुअल फुटेज चलाएंगे ना तो वो भी चलेगी, मतलब ये एक्चुअल फुटेज जो हम देख रहे थे आप अजीब से महसूस करते हैं लिटरली जब टॉप पे लड़का पहुंचा हुआ था और वहाँ पे मतलब इतना सा एरिया था, किसी जगह में मतलब वो चल के कांट इवन इमेजिन।